अभी एल्बियूगो का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपने कल स्टडी किया, उसके सिम्टम्स, कौन सी फैमिलीज को ये इन्फेक्ट करता है, राइट। आज फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। पहले मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था फंजाई के बारे में कि हाइफल स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। डायग्राम में देखो, ए डायग्राम में हाइफल स्ट्रक्चर है, इस हाइफा को हम बोलते हैं वेजिटेटिव हाइफा, ठीक है। सिनोसिटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, सब आपको दिख रहा है, सिनोसिटिक होने की वजह से ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आई। अब इसमें क्या होगा, ये हाइफा कहाँ है, होस्ट सेल के अंदर है, क्योंकि होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर चुके हैं, अंदर एंटर कर चुके हैं बाई होस्टोरिया। अब ये अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा, इनका अपर पार्ट जो है ये स्वेल होगा, स्वेल होगा, और नीचे स्वेल होके के टिप बनी, टिप बनती है, प्लेट बन जाएगी, फिर इसमें डिवीज़न, जो अपर सेल बनी, फिर डिवीज़न, फिर एक सेल सेप्टा डेवलप हुआ, इस तरह ये चेन बनती चली जाएगी। लेकिन बन कहाँ से रही है, नीचे से, नॉट ऊपर से, ये जो नीचे से बनती चली जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हो डिवीज़न हुआ, नीचे से चल रहा है कटिंग और ऊपर तक धक्का दिया जा रहा है, तो जो नीचे वाले हुए वो न्यू हुए, न्यू वंस, ऊपर वाले ओल्डर वंस हुए, ये बड़े होंगे साइज में क्योंकि इनको टाइम पीरियड, और नीचे वाले हैं ये सब कैसे रहेंगे, इस मैनर को नीचे छोड़ने वाले, ऊपर पुराने वाले, आपने कहीं देखा होगा अरेंजमेंट, हम देखते हैं पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, हमारा अरेंजमेंट हमेशा यही रहता है कि किसी तरह कोई गिरे ना है। लेकिन यहाँ अपोजिट है, ओल्डर वन ऊपर है, स्मॉलर वन नीचे है, इस वाले मैनर को हम क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल मैनर, ये यहाँ लिखा कहीं आएगा आपके पास तो आप सोचोगे एक्रोपिटल मैनर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोपिटल मैनर। और जो ये स्पोरेंजियम बन रहे हैं इसको हम बोलेंगे कोनिडियम, जिसमें स्पोर्स भरे हुए हैं इसको बोलेंगे हम कोनिडियम, जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये बन रहे हैं उसको बोलेंगे हम कोनिडियो फोर, फोर मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ऑलवेज फोर मीन्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर जो ये सेल बन रही है, सेल के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कोनिडियम, सिंगल कोनिडियम, और ज़्यादा है तो चेन ऑफ कोनिडिया आपको दिख ही रहा है इसमें, और इसके अंदर क्या बने रहते हैं, कोनिडिया, कोनिडियम है ना, कोनिडियम के अंदर क्या बने रहेंगे, है ना। फिर ये इस तरह, ये एक्रोपिटल मैनर का दिखाया, ये दोनों, ये सब आपस में किससे जुड़े रहते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रेशर लगा, सब कुछ हुआ, ये पीछे से अलग होते जा रहे हैं एक्रोपिटल मैनर में, एपिडर्मिस है, ये दिखा रखा है रप्चर्ड होस्ट एपिडर्मिस, वो कैसे हुई, नीचे से इन्फेक्शन आ रहा है, रेगुलर डिवीज़न हो रहे हैं, एपिडर्मिस एक लेयर ऐसी है और इस पर पुश मारे जा रहे हैं, एक टाइम पे ऐसे होगा ये फट जाएगी, तो एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी और कुनिडिया सब रिलीज हो जाएंगे। कुनिडिया रिलीज होने के बाद रेस्टिंग पीरियड में जाएंगे, चारों तरफ से अपनी एक इंसिस्टेड लेयर बना देंगे, फेवरेबल कंडीशन आने पर इसमें डिवीज़न होगा, डिवीज़न होके स्पोरेंजियम जो ये दिखा रखे हैं, जू स्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं, क्योंकि जू स्पोर बनने हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, जू स्पोर। फिर ये अपने आप में किडनी शेप बनेंगे अंदर ही अंदर, फ्लैजिला डेवलप होगा, फिर फ्लैजिला मूव करेगा वापस, इस पर प्रेशर डालेगा तो जू स्पोरेंजियम की वॉल रप्चर होगी, जू स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, और दो टाइप के जू स्पोर में फ्लैजिला है, टेंसिल और सिंपल, ये फैदर फैदर लगे हुए, ये टेंसिल और ये सिंपल वॉल है ना, सिंपल फ्लैजिला हुआ, जब ये रिलीज हो गया, इसको लगा फ्लैजिला ने तो अपना काम कर दिया, अब ये फ्लैजिला को डीजनरेट, फ्लैजिला डीजनरेट हो गए, ख़त्म हो गए, फिर वापस से ये ओवल शेप्ड हो गया, इंसिस्टेड लेयर हो गई, डीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर, डीफ्लैजिलेटेड मतलब जिसके फ्लैजिला चले गए हों,
फिर इसमें जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब निकलेगी फेवरेबल कंडीशन आने पे, और ये वापस से नए प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे. दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर, मैंने बताया ना ये कैसे बना, स्पोरेंजियोफोर या फिर कोनिडियोफोर. फिर इसी पे फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और स्पोरेंजिया, या इसको हमने बोला ड्यूस्पोरेंजिया, जो मैंने आपको बताया अभी वही सब है इसमें. फिर इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम. ठीक है, तो इस तरह से ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज्यूस्पोर्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एल्ब्यूगो में, इसमें जो मेल यूनिट होती है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल यूनिट को हम उगोनियम बोलते हैं. हाइफल स्ट्रक्चर है, हाइफा है, एक मेल ब्रांच होगी और एक फीमेल ब्रांच होगी. सिनोसिटिक कंडीशन है, हाइफा है. इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि ऊपर का जो पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा. और जब हम इसका वेजिटेटिव पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि एसेप्टेट कंडीशन होती है, लेकिन जब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होंगे, रिप्रोडक्टिव इट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये ऊपर सेप्टा डेवलप हो जाएंगे. इसमें स्वेल हुआ, फीमेल ब्रांच का अपर टिप स्वेल हुआ, इसने बोला बनाया यंग उगोनियम. मेल ब्रांच का अपर टिप स्वेल होगा, ये बनाएगा यंग एंथ्रीडियम. सेप्टा डेवलप होगा, अलग हो जाएंगे. ठीक है, और इसमें ये उगोनियम स्फेरिकल शेप होता है, लार्जर इन साइज कंपैरेटिवली टू मेल, है ना, बड़ा होगा, ओवल शेप होगा. और ये क्या होगा, एंथ्रीडियम क्लब शेप्ड होगा, लॉन्ग होगा, इलांगेटेड. वो स्फेरिकल है, ये इलांगेटेड साइज का है. इनका नियरेस्ट फॉर्म है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होगी. फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होने से, और उगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था उसमें भी, कि जो पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म अरेंज रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्म, सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म. फिर एंथ्रीडियम का सारा सब्सटेंस जितना भी रहता है उसमें एक फंक्शनल मेल न्यूक्लियस रहेगा और डीजनरेट होंगे, और वो सब इसमें उडेल दिए जाएंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ऊप्लाज्म के अंदर, नॉट पेरिफेरल, ऊप्लाज्म. देखो डायग्राम में दिख भी रहा है पेरिफेरल और ऊप्लाज्म. फिर इसमें सब चले जाएंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू. आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है 2x न्यूक्लियाई बनता है ना, 2x स्पोर डेवलप होगा. इसको ये चारों तरफ अपना क्या बनाएगा, एक्साइन और इंटाइन, ये 12th में पढ़ा भी है आपने. जो स्पाइनी लेयर होती है उसको एक्साइन, और अंदर की स्मूथ वॉल इज कॉल्ड इंटाइन, राइट. फिर इसमें एज इट इज जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना हो चुका 2x, यहाँ भी अब वापस डिवीज़न होगा, म्यूसिस डिवीज़न होगा, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना. इस तरह न्यूक्लियस में 2x न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, और ये सब ऐसे ओवल शेप्ड बनेंगे, ज्यूस्पोर बने, यहाँ फ्लैजिला डेवलप नहीं हुआ. फिर एक वेसिकल बनेगी, ये एक्साइन है, यहाँ एक वेसिकल. आप बबल गम को करते हो ना, च्युइंगम को एक बैलून बनाते हो, माउथ से बबल बनाते हो, तो ऐसे ही एक वेसिकल डेवलप होगा और उसमें ये सब जूस पोर्स भर जाएंगे. बाहर रिलीज होकर वापस से इन्होंने फ्लैजिलेटेड जूस पोर, 2 टाइप ऑफ फ्लैजिला डेवलप होगा. ठीक है, फिर काम हो गया इनका, मूव हो गए, उसके बाद ये फिर एंसिस्टेड कंडीशन में आएंगे, और वापस से फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्म ट्यूब डेवलप होगी और इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट. ठीक है, वही सब इसमें. प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस. प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा, दो प्लाज्मा का मिलना. कैरियोगेमी, दो न्यूक्लियस का मिलना. ये वर्ड्स जनरल वर्ड हैं जो बार बार यूज़ होंगे. आप कहोगे क्या है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का मिलना, इसने इसके अंदर डाला था तो सब मिक्स हो गया था, प्लाज्मोगेमी. न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, कैरियोगेमी. डिविजन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन आता है, फिजन आता है. और फिर जर्मिनेशन का ऊ स्पोर. जब भी आपसे रिप्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूगो पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप
मान लिया क्वेश्चन आया डिफाइन द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्बियो को, तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिक पोजीशन तो लिखोगे ही, चाहे रिप्रोडक्शन आए चाहे वेजिटेटिव आए। सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने के बाद आप उसके एक दो सिम्टम्स लिखोगे कि ये कौन कौन सी फैमिली को इन्फेक्ट कर रहा है। एकदम सीधा रिप्रोडक्शन पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। यदि 7.5 का लॉन्ग क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाहता है कि उसमें सब कुछ हो। फिर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, सिम्टम्स लिख दोगे, एक आधा डायग्राम बना देना सिम्टम का कि इस फैमिली पे ये सिम्टम है, ये मैंने आपको डायग्राम बताए भी थे। उसके बाद आप रिप्रोडक्शन पे आ सकते हो और उसमें इंट्रोडक्शन बताओगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, फीमेल ये होता है, और ये आप साइकिल डायग्राम बनाओगे भी। फिर ये आप पूरी साइकिल बनाओगे, लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक और कलर डायग्राम में बनाओगे। उसके बाद आप एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये लीनियर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल, ये बनाओगे पूरा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको लिखना है। फर्स्ट ईयर में आप आए हो तो आपको अपना पूरा एफर्ट इसमें डालना है, ठीक है। इसी तरह सारी फंजाई होंगी, जैसे पाइथियम आप कर चुके, एल्ब्यूगो आप कर चुके। नेक्स्ट आप आओगे एस्कोमाइकोटीना का सेक्रोमाइसिस, जिसमें आप फंगस को, जिसको बता रहे थे मेन, सब लोग जनरली फंगस उसी को जानते हैं, अचार मुरब्बों पे लग गई तो उसको हम बोलते हैं फंगस लग गई। लेकिन फंगस डिफरेंट तरह की होती है। अभी आपने दूसरे क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स पे जो फंगस लगी या जो इन्फेक्शन हुआ वो पड़ी। अब मेन जो घरों में हम जनरली यूज़ करते हैं वो सेक्रोमाइसिस ईस्ट होता है जो लगता है, क्योंकि सेक्रोमाइसिस सिर्फ शुगर कंटेनिंग आर्टिकल्स को इन्फेक्ट करता है। इसे बोलते हैं हम ईस्ट सेक्रोमाइसिस। तो इसके लिए हम कल आपको इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना। सेक्रोमाइसिस बहुत छोटी सी फंजाई है, अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, आती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?